everyone. Let us start for us today. Wise, how does make it? या how will make it? कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे अथवा कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे एक्चुअली उसके बारे में देखिए. बिकॉज मैं प्रीवियस लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को बेसिक बता के दिया हूँ. फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल. आपको पहला टेंस का रूल बता के दिया था, हमने सेकंड रूल बता के दिया था. ओके, प्लस एक्चुअली उसके फॉर्मूले बता के दिए थे. फॉर्मूले एक्चुअली ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ. एक्चुअली क्या फॉर्मूला आपका, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब हेड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो आज की लेक्चर वीडियो पहले आप क्या देखोगे, मैक एक्टिव बाई सीक्वेंस. मैक एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ओके, फर्स्ट आपका प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, मीन्स प्रेजेंट टेंस का आप देखोगे स्टार्टिंग में. तो आपका पहला प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में देख लो, चार वैरायटी होते हैं, बिफोर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. एक्चुअली जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रूल बता के दिया था, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे वर्ड बनाओगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बीवाई वाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, देन लेटर अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट का हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा. अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें कोई चेंज अप नहीं होता, बट चेंज होगा सब्जेक्ट की तरह से, सब्जेक्ट के अनुसार. ओके, यू कंटिन्यू. फर्स्ट आपका देखो एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एग्जांपल्स, फर्स्ट he writes, writer writes a letter. Okay, ye aapka active voice, first active voice. aap passive voice kaise count karoge? Okay, suppose active main wapas formula leke deta hu, aap log dekh sakte ho. ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी दिया हो, आई होप आप सब लोग देख भी लिए होंगे. फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, देखो ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका वर्ब होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. बराबर क्या? ये आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ. चलो पहला आपका इसमें क्या देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे मालूम पड़ा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, अच्छा आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है. और आपको कभी भी जब मैं कैक्टिव टू बाई सॉल्व कन्वर्ट कर रहे हो, आपको अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिकॉज डिपेंड अपॉन टू वर्ब, वर्ब एक्चुअली आपका फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा. ओके, जब एक्टिव टू बाई सॉल्व कन्वर्ट कर रहे हो दैट टाइम एक्चुअली ओनली आपको, जैसे मैंने आप लोगों को जो यूट्यूब पर ऑलरेडी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब बता के दिया हो, किसके साथ यूज करते हैं, और जो वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म याद आएगा तभी तो आप कन्वर्ट कर सकते हो आप किसकी वजह से. ओके, पहला आपका ही मतलब सब्जेक्ट हो गया, राइट मतलब वर्ब हो गई, लेटर मतलब ऑब्जेक्ट हो जाता है. आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है. बराबर क्या? ये चीज आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा ए लेटर. ओके, तो अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कन्वर्ट करते हैं, तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है आपका, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? लेटर, लेटर सिमिलर है जिसके हम इज. ओके, लेटर इज अंडरस्टूड. तो सिमिलर साथ एक्चुअली हम इज का यूज करेंगे, पीरो के साथ एक्चुअली आर का और आई के साथ एम का यूज करते हैं. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देन टू लेटर वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है आपको पता रहेगा, इसे हिंदी में से आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना, अक्सर कॉल्ड वर्ब.
मुझे जैसे ढूंढ हुआ एविडेंस रीड राइट सी डू एक्सेट्रा जैसे ओके लेटर इज राइट थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटेन लेटर इज रिटेन रिटेन बी वाई वाई इसके बाद आपका वाई लग रहा है तो लेटर इज रिटेन बी वाई वाई आपको मैंने जो थर्ड रूल बता के दिया सॉरी सेकंड रूल में ई का हिम सी का हर अगर लड़का है तो हिम लगेगा लड़की हो तो हर लगेगा दे रहेगा तो देव लगेगा वी रहेगा तो अस लगेगा इट रहेगा तो इट का यूज होता है क्यू रहेगा क्यू क्यों ना आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ जो आप लोग आई होप देख लिए होंगे तो कंटिन्यू लेटर इज रिटन बाय ही का क्या हो जाता है आपका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब पैसे अकाउंट करते तो ही का तो हिम ही का क्या हो जाएगा आपका हिम ओके फुल स्टॉप अंडरस्टूड एंड वी कंटिन्यू सेकेंड एग्जाम्पल आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एग्जाम्पल आप क्या ले लोगे सी डज सिंग ए सिंग सॉन्ग ओके सी डज सिंग ए सॉन्ग तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें ऑब्जेक्ट जो लास्ट में रहेगा वही चीज है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है ये सॉन्ग 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 सिमिलर है प्यूरल सिंगल प्यूरल आपका सिमिलर है तो सिमिलर साथ में एक्चुअली आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है बिकॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्प क्या होता है डू ऑर्डर्स ओके ये सॉन्ग हो जाएगा आपका डेरिवेटिव इज सॉन्ग इज थर्ड फॉर्म वर्ब क्या इसमें सिंग मतलब गाना सिंग सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है संग नहीं सिंग संग एस यू एन जी संग होता है ओके थर्ड फॉर्म सॉन्ग इज संग इसके बाद आपका फॉर्मला क्या बोलता है बी वाई बाई क्या बोलते हैं कि फॉर्मला आपका बी वाई बाई तो आप बाई लिखोगे ओके इसके बाद सी का क्या होता है अंडरस्टूड ये चीज आपके रूल है एक्चुअली आपका जो प्रेजेंट का रहेगा इसका भी आप सब पैसे करोगे ओके सी डज सिंग ए सॉन्ग तो आपका सी आपका सब्जेक्ट हो जाता है डज आपका हेल्पिंग वर्ब है सिंग आपका वर्ब है संग ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट है ये सॉन्ग इज सॉन्ग ऑडियंस सब्जेक्ट सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब इज एस यू एन जी संग वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बी वाई बाई जब सी का है ओके कंटिन्यू आपका अगर एक एग्जाम्पल और बता के देता हूं इसमें सपोज दे गोस टू मार्केट बरोबर थर्ड आपका एक्टिव वॉइस है और आप क्या करना होता है पैसिव वॉइस में आपका दे गोज टू मार्केट क्या है दे गोज टू मार्केट आपका फेवरल है या आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव का है जो के साथ यस का यूज हुआ है क्योंकि आपका है प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छा आपकी हेल्पिंग नहीं दी गई है तो आप कैसे फाइंड करोगे आपको पता है प्रेजेंट सिंपल रहेगा अगर कोई मतलब अगर आपको हेल्पिंग नहीं दी गई है तो आप वर्ब देखो वर्ब में जैसा यस का यूज होता है तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो प्रेजेंट सिंपल को आप किस में कन्वर्ट करते हो या प्रेजेंट डेफिनेट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मार्केट इसमें दे गो टू दी मार्केट भी ले सकते हो आपको हाँ उसने टू दी मार्केट तो आप क्या करोगे इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट उसने दी मतलब मार्केट का दी भी लगा सकते हो तो आप क्या लिखोगे दी मार्केट ओके दी मार्केट क्योंकि आपका देखो दे गोज टू दी मार्केट अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है आपके सारे आइडेंटिफाई करोगे कि वर्क के हिसाब से जो यस है यस है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल का कन्वर्ट किस में हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अब तो इसकी वजह से तो दी मार्केट इज मार्केट एक्चुअली की चीज है इसलिए इज लगेगा वर्क गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन तो मार्केट इज गॉन बी वाई बाई देम ओके मार्केट इज गॉन बाय देम
ओके देखिए एग्जाम्पल और बता देता आपको मैं फोर्थ वाला एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सपोज यू क्या रहेगा आपका जैसे एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब साथ में बींग का यूज होगा इसके अंदर बी आई एन जी बींग. ओके इसमें आपका बस ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब साथ में बींग का यूज होगा. ओके फर्स्ट एग्जाम्पल आपको मैं लिख के देता हूं जैसे सी इज गोइंग टू आगरा. सी इज गोइंग टू आगरा ये आपका एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है ना. She is going to Agra. तो ये आपका सब्जेक्ट है बरोबर. ये आपका क्या हो जाता है सब्जेक्ट. ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका वर्ब. जब भी लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट. ओके एक चीज आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो सी इज गोइंग टू आगरा आपका फॉर्मूला क्या बोलता है इसका ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा. तो आप देखो इधर आगरा सॉरी आगरा. इसके बाद आगरा एक्चुअली सिटी का नाम है. सिटी का नाम स्टेट का नाम कंट्री जो रहेगा आपको पता रहेगा आगरा. और देन सब्जेक्ट आगरा लिखोगे आप आगरा एक्चुअली की इसलिए इज आगरा इज हेल्पिंग वर्ब बींग. प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बी वाई बाई प्लस सब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट का यूज होता है. तो आगरा इज बीन आगरा इज बीन आगरा इज बीन गो का गॉन. अब सर अब आप बोलोगे सर आई एन जी का क्यों हुआ. एक्चुअली इसमें ऐसा क्या कहता है आगरा इज बीन लगाओ ना तो बस आप गो का थर्ड फॉर्म देखोगे आई एन जी के साथ इंक्लूडिंग में मत देखो. ओके आगरा इज बीन गॉन आपका फॉर्मूला क्या बोलता है तो थर्ड फॉर्म गॉन लिखे आपने बी वाई बाई डेटर इसी का हर सीखा क्या हो जाएगा आपका हर हो जाएगा. आगरा इज बीइंग गॉन बाय हर. ओके टू बी कंटिन्यू सेकंड वन एक्चुअली आपका एग्जांपल दे आर राइटिंग ए स्टोरी बुक. दे आर राइटिंग ए स्टोरी बुक आप जब पैसे वॉस कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है इसमें स्टोरी बुक आपका ऑब्जेक्ट है बरोबर. ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है ठीक है. तो अब क्या लिखो इधर स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट वाला आपका रूल क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस बींग. आपका आर लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से तो स्टोरी बुक एक ही है इसके साथ इज बींग का यूज करोगे. स्टोरी बुक इज बींग बी आई एन जी बींग थर्ड फॉर्म आपका इधर क्या राइटिंग. तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटेन. तो आप क्या लिखोगे रिटेन. इसके बाद आपका फॉर्मूला क्या बोलता है बी बाई बाई. ओके बाई के बाद क्या हो जाएगा आप दे का दे. अंडरस्टूड
जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका स्टार्टिंग का जो रहता है बिगनिंग का, वो आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, बरोबर, ये आपका सब्जेक्ट और मतलब हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मींस वर्ब है आपका, डेकोरेटर्स के बाद जो रिमेनिंग है वो आपका क्या ऑब्जेक्ट, ओके। दो यार राइटिंग ए स्टोरी बुक, एक्चुअली आप इसका पैसे वर्ष कन्वर्ट करते हो कैसे बनाओगे, फर्स्ट बना ऑब्जेक्ट लिखो ए स्टोरी बुक, अब क्यों आपका कौन है वही बोलते हैं, इसके बाद हेल्पिंग के साथ में इज बीइंग, ओके। थर्ड वर्ब क्या आपका राइटिंग रिटेन, बी वाई बाई और देखा ओके। कंटिन्यू वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड वन में एक्चुअली आप ले लो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग मतलब एक ही गाते, बहुत सारे लोग नहीं है सॉन्ग होता तो आरबी का ही होता था ये सॉन्ग, तो इसके साथ में आप क्या लगाओ इज, आपका फॉर्मूला बोलते हैं हेल्पिंग के साथ में विंग, विंग लगाया आपने बरोबर, हेल्पिंग के साथ देखिए ये सॉन्ग इज डिंग, अंडरस्टूड। देन टू लेटर आप क्या करोगे सिंग, सिंग का एक्चुअली थर्ड फॉर्म क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सन एस ई एन जी, ये सॉन्ग इज being, single third form, sung. Then to talk of formula, क्या बोल रहे? By, by. वो आपको third form बाद, by, by. और he का क्या हो जाता है? He का क्या होता है? कि he का him हो जाता है. He का क्या लिखोगे? You. Okay? He is singing a song. A song is being sung by him. Okay? अरे आप किसी कुछ जाओगे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, देखो ये आपका स्टार्टिंग थोड़े सब्जेक्ट रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो आपका जो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा कि उसके अंदर वी आई जगह विंग आई यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, ओके। लेकिन आपका जो चेंजअप होता है सब्जेक्ट अनुसार, फिर लगेगा आर विंग आगे साथ एम विंग, ओके। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, और आपको किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस प्रकार के वीडियो अगर आपको और मतलब ग्रामर से रिलेटेड कुछ चाहिए कमेंट कर सकते हो, वापस मैं एक्टिव वो चीज बनाने की कोशिश करूंगा, ओके।